ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर बांध परियोजना के डूब प्रभावित कामनखेड़ा के लोगों द्वारा पिछले 5 दिनों से ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने के विरोध और 2000 परिवारों के बाकी पुनर्वास की मांग को लेकर जल सत्याग्रह किया जा रहा है। जल सत्याग्रह में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल भी इस सत्याग्रहियों के साथ पानी में खड़े रहकर सरकार और पान प्रबंधक तक अपनी बात पहुँचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सत्याग्रह के 5वें दिन भाई दूज पर्व पर सत्याग्रहियों ने कमर के ऊपर पानी के बीच खड़े रहकर मनाया। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर यह परंपरा निभाई। आप संयोजक अग्रवाल ने बताया कि दीपावली जैसे पर्व पर भी सभी सत्याग्रही पानी में ही डटे रहे। अग्रवाल ने बताया कि 2000 परिवारों के पुनर्वास की मांग एवं प्रबंधन द्वारा लगातार बांध का जल स्तर बढ़ाए जाने के विरोध में यह जल सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह के 6वें दिन अब सत्याग्रहियों के शरीर में परेशानी आने लगी है। 2 सत्याग्रही को खुजली और शरीर में इन्फेक्शन की समस्या देखी गई है, लेकिन सरकार और बांध प्रबंधन की ओर से अभी तक इस ओर कोई ठोस पहल नहीं हुई। मंगलवार को मानधाता विधायक नारायण पटेल ने सत्याग्रह स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। देखिए, प्रशासन माने ना माने हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो 30 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। ओंकारेश्वर बांध में तीसरा जल सत्याग्रह कर रहे हैं, पहले 17 दिन, फिर 32 दिन और एक बार फिर से तैयारी के साथ हम बैठ गए। हमारा निश्चय बिल्कुल साफ है कि भले ही हमारा जीवन चला जाए, और हम मानते हैं कि अगर हमारे जीवन देने की ताकत होगी और उनमें जरा सी भी अगर संवेदनशीलता होगी तो निश्चित रूप से विस्थापितों का पुनर्वास करेंगे। एक सवाल और। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य